हेलो गाइस गुड इवनिंग दिस इज मंजीत रावत योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर सो गाइस एक बार फिर से वेलकम मैं आपका मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे और आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की एक और वीडियो के बारे में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप डी एस फेलोवर को कॉन्फिगर करते हैं और डी के बेनिफिट्स क्या हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल चैनल है जो आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज की वीडियो प्रोवाइड करता है वो भी विदाउट एनी एडिटिंग विदाउट एनी स्कीप ऑफ प्रैक्टिकल तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि फेल ओवर एक्चुअली है क्या अगर हम लास्ट क्लास की बात करें नाइनटीन क्लास की बात कर बात करें तो हमने आपको प्रोसेस बताया था कि डी कैसे इंस्टॉल करते हैं कैसे कॉन्फिगर करते हैं डी के अंदर जो डोरा प्रोसेस होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था आज हम बात करने वाले हैं फेलोवर के बारे में क्योंकि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उसे एटलीस्ट थेरोटिकल पार्ट में फेलोवर और प्रैक्टिकल uh, का स्टेप पता होना चाहिए कि फेलोवर को कॉन्फिगर कैसे किया जाता है इसकी प्रत क्या है या हम इसको स्टेप इसको सेटअप करने के लिए क्या क्या हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं फेलोवर का कि एग्जैक्टली exactly जो फेल का टास्क है वो है क्या तो एज पर द नेम फेल ओवर की मीनिंग एक तरीके से होती है कि आप बोल सकते हो डिजास्टर रिकवरी मीन्स अगर आपके मेन डी सर्वर में कोई प्रॉब्लम आती है और आपने इन्वायरमेंट के अंदर फेल ओवर सर्वर लगा रखा है डीएससी पी फेल ओवर सर्वर लगा रखा है तो अगर मेन डी सर्वर डाउन भी हो जाता है तभी हमारे क्लाइंट को कहीं ना कहीं आई एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए हमारा फेल ओवर सर्वर रेडी होगा तो प्री में आई होप कि थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि एटलीस्ट दो सर्वर इन्वायरमेंट में चाहिए राइट एक जिसमें हम आप डीएससी सर्विस इंस्टॉल करेंगे मेन डी सर्विस इंस्टॉल करेंगे दूसरे सिस्टम की बात करें अनदर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन की बात करें तो उसमें हम क्या करेंगे डीएससी को फेल ओवर एज ए फेल ओवर इस्तेमाल करने वाले हैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं मान लीजिए अपने पास ये मल्टीपल क्लाइंट मशीन अवेलेबल है और हर एक क्लाइंट मशीन सेम स्विच सेम फिजिकल स्विच से कनेक्टेड है राइट right? तो अभी हम फेल ओवर सर्वर को नहीं ऐड कर रहे हैं अभी जस्ट सिंपल डीएससीपी सर्वर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये अपने पास जो पहला सर्वर है पहला सिस्टम हमें दिखाई पड़ रहा है ये अपना डीएससीपी सर्वर है डीएससीपी सर्वर राइट तो इस केस में क्या होगा कि जो आपने पूल तैयार कर रखा है जो आपने स्कोप तैयार कर रखा है उस स्कोप में जो भी आईपी एड्रेस आपने मेंशन कर रखी है स्टार्ट आईपी टू एंड आईपी जो मेंशन कर रखी है उसके थ्रू आप अपने क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो ऑटोमेटिकली आप, 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 आपकी आईपी एड्रेस जो है अपने क्लाइंट तक पहुंच जाएगी राइट right? विद द हेल्प ऑफ डोरा प्रोसेस बट अनफॉर्चुनेटली आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स है मान लीजिए हंड्रेड प्लस क्लाइंट्स अवेलेबल या टू हंड्रेड क्लाइंट्स अवेलेबल हैं अनफॉर्चुनेटली अगर आपका ये सर्वर डैमेज हो जाता है ठीक है ना किसी भी रीजन से सर्वर डैमेज हो जाता है डिस्कनेक्ट हो जाता है या कोई इशू आ जाता है इस सर्वर के केस में तो जाहिर सी बात है जो क्लाइंट मसीने हैं उनको आईपी एड्रेस जाना बंद हो जाएगी या जो उनके पास आईपी एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली अपीपा में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि उनको उनकी जो आईपी एड्रेस है वो हमारा डीएससीपी कंटेन करके रखा था वो हमारे डीएससीपी के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा था तो डीएससीपी एस फेल ओवर बनाने का फायदा ये है दूसरे सिस्टम पे कि इन केस आपका डीएससीपी सर्वर डाउन भी हो जाता है किसी भी रीजन से तो जो डीएससीपी एस फेल ओवर आपने बना रखा है डीएससीपी एस सी फेल ओवर सर्वर जो बना रखा है आपने वो उस टाइम पे सारी एक्टिविटी को मैनेज कर लेगा जो भी पूल आपने तैयार कर रखा है जो भी स्कोप आपने बना रखा है वो ऑटोमेटिक आपका स्कोप इस पर रन करेगा और इन केस में आपका मेन सर्वर डैमेज होता है तो सारी एक्टिविटी जो भी आईपी एड्रेस है उनको आपका फेल ओवर सर्वर क्रिएट का ऑटोमेटिकली जो है हैंडल कर लेगा सारी चीज़ों का तो गैस ये कॉन्सेप्ट हुआ है डी एस सी पी फेल ओवर का तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मिनिमम दो सर्वर हमें अपने इन्वायरमेंट में लगाने हैं जिसमें से एक सर्वर पे हम मेन मेन डीएससीपी सर्विस इंस्टॉल करेंगे और दूसरे सर्वर के ऊपर हम क्या अकाउंट फिगर करने वाले हैं फेल ओवर की सर्विस प्रैक्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं है हम आपको स्टेप बताएंगे नॉर्मल से स्टेप हमें फ़ॉलो करने हैं डीएससीपी सर्व फेल ओवर सर्विस के लिए तो चलिए सेटअप दिखा देते हैं हम अपना जो जो हमने तैयार कर रखा है तो अपने पास दो डिफरेंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है राइट एक अपने पास डोमेन डोमेन कंट्रोलर जिसमें हमने .com के नाम से एक दो, बना रखा है और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ इसी का मेंबर है आपका जो बी सेंटर जिसमें हमने इंस्टॉल कर रखा है इसी बी सेंटर की मशीन को हम बनाने वाले हैं फेल ठीक है तो सबसे पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि दोनों सिस्टम के बीच में कॉम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं अपने इस वी सेंटर सर्वर यानी फेल ओवर सर्वर की आईपी एड्रेस 250 आ, और ओके और जो अपने पास आईपी एड्रेस है अपने डीएससीपी जिसको हम प्लान कर रहे हैं मेन डीएससीपी सर्वर बनाने की आ, उसकी आईपी आई थिंक 200 है लेट मी चेक ठीक है यस yes, रिप्लाई आ रहा है तो डोमेन पे जा के हम अपने आ, वी सेंटर सर्वर यानी डी एस सी पी फेल ओवर सर्वर को एक बार पिंग करा लेते हैं आई पी कॉन्फिक कर लेते हैं आई पी कॉन्फिक से हमें मालूम पड़ जाएगा कि आई पी एड्रेस क्या है यस टू हंड्रेड पिंग स्पेस वन नाइन्टी टू डॉट वन सिक्सटी एट डॉट जीरो डॉट टू हंड्रेड फिफ्टी राइट तो दोनों मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं इवन जो वी सेंटर सर्वर है इसका मेंबर भी है तो चलिए देखते हैं स्टेप कैसे फॉलो करना है हमें हम सबसे पहले अपने डीएससीपी सर्विस को ओपन करा लेते हैं इस पर हमने कल सर्विस इंस्टॉल की थी ओपन योर डीएससीपी पैनल ओपन योर डीएससीपी सर्विस तो और डी सर्विस ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एक क्रिएट करने वाले हैं स्कोप वैसे तो ऑलरेडी हमने एक स्कोप बना रखा है रिजर्व स्कोप बना रखा है ऑलरेडी बट हम यहाँ पे इसको एक बार डिलीट करके ना एक नया स्कोप तैयार करने वाले हैं रिजर्वेशन में ये सिस्टम ने कल रिजर्व किया था हम जिसको डिलीट थी बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट कर देते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाए तो अभी हमने क्या किया यहाँ पे स्कोप डिलीट कर दिया राइट स्कोप डिलीट करने के बाद एक नया स्कोप बना लेते हैं क्योंकि हमें फेल ओवर सर्विस भी क्रिएट करनी है तो एक नया स्कोप बना लेते हैं किसी भी नाम से लाइक आई एम टू प्रोसीड विद ट्रेनिंग स्कोप ट्रेनिंग स्कोप के नाम से हमने एक स्कोप तैयार कर लेते हैं यहाँ पे आईपी एड्रेस की रेंज की बात करें तो वन नाइनटी डॉट वन टेन से लेकर के वन नाइनटी टू डॉट वन सिक्सटी एट डॉट जीरो डॉट ट्वेंटी फाइव तक ले लेते हैं ठीक है ये हमने रेंज डिसाइड कर ली कि हमारे जो क्लाइंट हैं वो आईपी एड्रेस पाएंगे एक्सक्लूड नहीं करना है हमें किसी भी आईपी को ठीक है हम दैट्स फाइ यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस मेंशन नहीं कर रहे हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट और यहाँ पे आप गेटवे दे सकते हो आप अपने राउटर का आईपी एड्रेस दे सकते हो यहाँ पे जीरो डॉट वन एंड नेक्स्ट नो नीड टू डू एनी सब कुछ क्लियर आप फिनिश कर दीजिए सक्सेसफुली हमने डी एस सी पी सर्विस में जा करके एक स्कोप बना लिया ठीक है ना नो नीड टू डू एनी थिंग दूसरे सर्वर पे चलिए आप फेल ओवर पे जिस पर आपने प्लान किया है कि इस पर फेल ओवर सर्विस इंस्टॉल करनी है या फे फेल ओवर क्रिएट करना है तो आप दूसरे सिस्टम को ओपन कराएंगे ओपन कराने के बाद सेम प्रोसीजर फैर सर्वर मैनेजर ओपन करा लेते हैं यहाँ पे आपको ना सिर्फ डी एस सी पी की सर्विस को इंस्टॉल करना है नो नीड टू मेक एनी चेंजेस नो नीड टू क्रिएट एनी स्कोप आपको सिर्फ रोल इंस्टॉल कर लेना है डी एस सी पी का ठीक है यहाँ तक ओके डी सर्वर चेक मार करिए डीएससी सर्वर अभी बिल्कुल इस पर इंस्टॉल नहीं था क्योंकि अगर हम इसमें टूल्स पे क्लिक करके देखें ना तो अभी कोई भी सर्विस हमें डी के नाम से नहीं मिलेगी चलिए टूल्स पे क्लिक कर देते हैं आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी डी सर्विस के नाम से आ, कोई भी सर्विस इंस्टॉल नहीं है डी की डेट्स वाई यहाँ पर हम क्या करते हैं पहले सर्विस को इंस्टॉल कर लेते हैं फिर कॉन्फिगर करते हैं अपने फेल ओवर को सेलेक्ट डी नेक्स्ट नेक्स्ट और हमें कर देना है इसको इंस्टॉल ठीक है मीनस जो आपका मेन सर्वर है जिसपे आपने डी इंस्टॉल किया है अगर हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम जाएं तो यहाँ पे हमने एक स्कोप बनाया है स्कोप का नाम है ट्रेनिंग है ना ट्रेनिंग स्कोप के नाम से हमने क्रिएट किया और इसकी जो रेंज हमने डिसाइड किया है स्टार्टिंग रेंज है वन टू वन और जो एंड एंडिंग रेंज है वो है हमारा जीरो ठीक है ना तो ये स्कोप हमारे पास आ, हमने जो क्रिएट किया अपने सर्वर के ऊपर इसी स्कोप का इस्तेमाल करके हमें हम हमारे क्लाइंट्स पे आईपी एड्रेस असाइन होंगे ऑटोमेटिक राइट बट यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि केस अगर आपका डीएससीपी सर्वर डैमेज हो जाता है तो जो आपको आईपी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फेल ओवर के पास चली जाएगी तो हम क्या करने वाले हैं इसी स्कोप का माइग्रेशन करने वाले हैं ये पूरे एज इट इज स्कोप को हम यहाँ पे माइग्रेट करने वाले हैं बेसिकली ठीक है ना तो दोनों जगह पे स्कोप रहेगा अगर कोई भी सर्वर डैमेज हो जाता है ये मेन सर्वर डैमेज हो जाता है तो फेल ओवर संभाल लेगा फेल ओवर डैमेज हो जाता है तो आपको मेन सर्वर संभाल लेगा राइट तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर होगा आई होप तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं डीएससीपी सर्विस हमें क्या करना है दूसरे वाले सर्वर पर सिर्फ इंस्टॉल करनी है इसमें जो पहला स्टेप है वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन वो ज़ाहिर सी बात है होना चाहिए देन उसके बाद क्या करना है इंस्टॉल डी एस सी पी रोल ठीक है हम यहाँ पे केवल रोल इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे कोई भी स्कोप आपको मैनुअल नहीं बनाना है जो आपके पास एग्जिस्टिंग डी एस सी पी सर्वर में रोल डी एस सी पी सर्वर में जो आ, स्कोप है उसी स्कोप को हम यहाँ पे ट्रांसफर करने वाले हैं उसी स्कोप की कॉपी एक क्रिएट करके डी एस सी पी फोल पर रखना चाहते हैं राइट तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं यस yes, अपना डीएससीपी सर्विस इंस्टॉल हो गया है नेक्स्ट करके आप इसको कंप्लीट कर दीजिए ठीक है स्कोप हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं जस्ट क्रिएट जस्ट कॉन्फिगर द जस्ट इंस्टॉल द डीएससीपी सर्विस ठीक है यहाँ पे हमने सिर्फ डीएससीपी सर्विस को इंस्टॉल किया अब अगर फेल ओवर की बात करते हैं एक बार पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि यहीं यहाँ पर जो हमने मेन uh, अभी जो इंस्टॉल किया डीएससीपी सर्विस उसमें कोई स्कोप तो नहीं है तो एक बार वेरीफाई करा देते हैं इसमें कोई स्कोप अवेलेबल नहीं है ठीक है इवन ऑथराइज भी नहीं है तो ऑथराइज करा लेते हैं यहां पे ठीक है ऑथराइज क्योंकि यहाँ पे रेड मार्क आ रहा है इट मीनस दैट आपका सर्वर जो है ऑथराइज़ नहीं है तो छोटा सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा ऑथराइज करने के लिए आ, यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस देनी पड़ेगी अपने ही सिस्टम की वन नाइन्टी टू डॉट वन सिक्सटी एट डॉट जीरो डॉट आई थिंक टू फिफ्टी ठीक है वीकेंटर पे ओके okay, कर देते हैं यहाँ पे ठीक है यहाँ पे हमारे पास देखो यहाँ पे देखें तो कोई भी स्कोप अवेलेबल नहीं है जस्ट ट्राई टू कॉन्फिगर फिगर और फेल ओवर और फेल ओवर के थ्रू यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका स्कोप रन करने लगेगा चलिए देखते हैं ये अपने पास मेन सर्वर है डी का जहाँ पे हमने इंस्टॉल किया था डी एक स्कोप बनाया था आपको कुछ नहीं करना है आपको सिंपल सा आप अपने स्कोप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे कॉन्फिगर फेल ओवर पर जाएँगे ठीक है और कॉन्फिगर फेल ओवर के बाद नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आप अपने पार्टनर सर्वर की आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे तो पार्टनर सर्वर की अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें तो 250 हंड्रेड फिफ्टी आई पी एड्रेस है जो हमारा मेन सर्वर है जिसको हम फेल ओवर बनाना का आप प्लान कर रहे हैं ठीक है या आपने सक्सेसफुली इसको कॉन्फ़िगर किया 200 हंड्रेड आप आ, आ, दिस सर्वर में जा के इसको ब्राउज करा लीजिए अपने सर्वर की डिटेल ठीक है तो सर्वर नेम की अगर हम बात करें तो वी नीड टू कंफर्म अवर सर्वर नेम एक बार वेरीफाई कराना पड़ेगा तो okay, वेरीफाई के लिए हम दिस पीसी में जाते हैं और अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में चेक कर लेते हैं कि इसका नाम क्या है ठीक है इट्स जी क्यू राइट विन एट सेवन लास्ट में एट जी क्यू तो चलिए ठीक है इसको ऑथराइज कर लेते हैं ये वाला सर्वर है ओके अगेन एंड ओके ठीक है नेक्स्ट ओके सॉरी वी नीड टू प्रोवाइड द पार्टनर सर्वर नेम सो यहाँ पे हमें पार्टनर सर्वर की डिटेल देनी पड़ेगी आ... तो एक बार वेरीफाई करा लेते हैं पार्टनर सर्वर का कंप्यूटर नेम क्या है? पार्टनर सर्वर की जो नेम है लास्ट लास्ट नेम है के एफ एन तो आप फिर से जाइए अपने मेन सर्वर पे जहां से फिल ओवर कंफिगर कर रहे हैं तो ये दूसरा वाला सर्वर हमारा पार्टनर सर्वर है ओके okay करेंगे अगेन क्लिक ओके ओके नेक्स्ट करा लेंगे ठीक है ये लास्ट स्टेप अपने पास अवेलेबल है जो आ, आपको ऑप्शन दे रहा है कि लोड बैलेंसर में पचास पचास परसेंट फिफ्टी फिफ्टी परसेंट दोनों के ऊपर अवेलेबल है मींस आप जो लोड पड़ेगा मींस नंबर ऑफ़ जो यूज़र्स अपने पास आईपी एड्रेस पा रहे हैं वो पचास परसेंट डिवाइड हो जाएगा दोनों के ऊपर और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है एक सिस्टम पे तो सभी रिस्पांसिबिलिटी एक सर्वर की हो जाएगी ठीक है पे के लिए आप कोई भी एक की कर देते हैं 1, 2, 3, 4 कर दिया, किया, हो गया, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे उस पर्टिकुलर मशीन पे जाओ और इस पेज को रिफ्रेश कर दो आप ठीक है आपने जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्कोप जो है आपने ट्रेनिंग नाम से जो इसको बनाया था ट्रेनिंग स्कोप के नाम से बनाया था वो आटोमेटिक यहाँ पे अवेलेबल हो गया राइट डेमो पे जाएं, ये ट्रेनिंग डोमेन पे जाएं, तो ये ट्रेनिंग स्कोप जो मेन डी सर्वर है और ये अपने पास फेलओवर सर्वर जो अभी हमने रिसेंटली तैयार किया करेक्ट सो so, गाइज उम्मीद है कि आपको ये स्टेप बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर होंगे ये सभी स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे फिर भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं राइट तो गैज़ उम्मीद है आपको सभी स्टेप क्लियर तरीके से कन्फर्म हो गए होंगे यहाँ पे अपने पास ये मेन सर्वर डी एस का जिस पर इंस्टॉल किया गया है ये अपने पास फेल ओवर अगर आपका मेन सर्वर डैमेज होता है डी सर्वर डैमेज होता है तो फेल ओवर टेक ओवर कर लेगा सारी चीज़ों को हैंडल कर लेगा लाइक like दिस तो गैज ये आज का एजेंडा uh, था डी एस सी पी फेल ओवर आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि डी एस सी पी फेल ओवर काम कैसे करता है इसको कॉन्फिगर कैसे करते हैं उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन लगता है तो आप कमेंट ड्रॉप करिए डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन uh, को रिजॉल्व करने के लिए सो so गाइज आज के लिए इतना है टेक केयर एंड बाय बाय कल मिलते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ नई वीडियो के साथ